और आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीसी प्रेसिडेंट अशोक तंवर जी होंगे, सीएलपी लीडर किरण चौधरी होंगी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा होंगी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला जी, एक्स मिनिस्टर कुलदीप वैष्णवी, एक्स मिनिस्टर महेंद्र प्रताप सिंह, एक्स मिनिस्टर कैप्टन अजय सिंह यादव, मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा, एक्स एमपी नवीन जिंदल, एक्स एमपी श्रीमती कैलाश हुसैनी, एक्स एमएलए अनिल ठाकुर एंड एक्स स्पीकर कुलदीप शर्मा एंड सिटिंग ऑफ कोर्स इज एक्स एमएलए बट ही सिटिंग एमएलए आल्सो एंड जावीर सिंह बाल्मीकि एससी इज आल्सो सिटिंग एमएलए एंड सरदार जयपाल सिंह लाली सिख कम्युनिटी। तो इसमें हमने सब मिक्स ऑफ सीनियर लीडर्स एंड ऑलमोस्ट सब कास्ट कम्बिनेशन जो है कम्युनिटीज तकरीबन सबको कोशिश स्टेट ऑफ कोर्स आई विल बी अकंपनीइंग देम दैट गोज विदाउट सेइंग। सो दिस वाज विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। जहाँ तक उत्तराखंड के मिस्टर मनीष कुंडेरवी का संबंध है, ये हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर खंडूरी उनके सुपुत्र है, बीजेपी के लीडर हैं। इन्होंने ज्वाइन तो किया है पहले, लेकिन इंट्रोड्यूस मीडिया के सामने नहीं हुए। एंड इन आंध्रा 2003-2004 तो बस में जाने से पहले अलग अलग होते हैं, जब बस में से निकालते हैं कुछ हफ्तों के बाद तो फिर वो एक हो जाते हैं, दे बिकम 20 into 1। सो आपने 3 in 1, 2 in 1 देखा है, बट 20 in 1 नहीं देखा है, 15 in 1 नहीं देखा। क्योंकि एक स्टेज से जब भाषण करते हैं, एक जगह जब खाना खाते हैं तो सब एक हो जाते हैं। तो वो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं एंड कल के करीब होपफुली वी विल हैव टुमारो कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड डिस्कस द फ्यूचर प्रोग्राम ऑफ ट्यूरिंग द एंटायर स्टेट। ऑफ कोर्स आई विल बी अकंपनीइंग देम दैट गोज विदाउट सेइंग। सो दिस वाज विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। जहां तक उत्तराखंड के मिस्टर मनीष कुंडेरवी का संबंध है, ये हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर खंडूरी उनके सुपुत्र है, बीजेपी के लीडर हैं। इन्होंने ज्वाइन तो किया है पहले, लेकिन इंट्रोड्यूस मीडिया के सामने नहीं हुए, इसलिए इनको इंट्रोड्यूस किया है। ये आपकी बिरादरी में थे और आपकी बिरादरी से हमारी बिरादरी में आए, तो आज के जमाने में आपकी बिरादरी से कोई हमारी बिरादरी में आए तो देयर इज अ वेरी वेलकम डिसीजन। ये 18 साल रहे हेड ऑफ न्यूज पार्टनरशिप फेसबुक, फिर डायरेक्टर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट फॉर सीएनएन एटलांटा यूएस फ्रॉम 2005 to 2012, और असिस्टेंट एडिटर बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन, असिस्टेंट फीचर्स एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने बहुत काम किया है, एजुकेशन एमबीए किया है कलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो विच इज़ रैंक नंबर 1 or 2 इन द वर्ल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ही इज़ हाईली क्वालिफाइड and particularly his association with the international media will definitely help the party and I think he should become the link between the media persons and the Congress party, having worked
in media for quite some time, both internationally and domestically. He has been founder chairman of Durga Samajik Kalyan Sanstha, which is named after his grandmother, Durga Khandoriji. तो हम इनका पूरा वेलकम करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से और मुझे पूरा विश्वास है इनके पिताजी का मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आदर करता हूं लेकिन आज के ज़माने में जो फ्रीडम है हमारी पार्टी में ज़रा ज़्यादा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और बीजेपी में कम है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज हर व्यक्ति को अपना अपना निर्णय लेने का पूरा हक है पिताजी जिनका हम आदर करते हैं उनको अपनी पॉलिसी परस्यू करते हैं लेकिन मिस्टर मनीष अपनी सोच से चल रहे हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर के हिसाब से इन्होंने ये बेहतर समझा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बेटर पार्टी है और बेटर सोच रख सकते हैं एक इंक्लूसिव पार्टी है एक्सक्लूसिव नहीं है भारतीय जनता पार्टी एक्सक्लूसिव पार्टी है नॉट इंक्लूसिव पार्टी है तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद First of all, I would like to offer my condolences on the demise of Sri Parikar. From what I understand, he was a very fine man. मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं उस पार्टी से जुड़ सकूँ जो पार्टी हमारी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थी मैं उस पार्टी से जुड़ रहा हूँ जिसमें ऐसे ऐसे दिग्गज नेता थे जैसे मोहनदास करमचंद गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ आपके सामने हूँ और काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस मैं सिर्फ ये आपसे वो शब्द दूंगा और फिर उसके बाद मैं चुप रहूँगा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक and political liberty of thought expression faith belief and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation that's the preamble of the constitution of india and the congress is the closest to it today that's why I've joined it